जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भैया। हो क्या नाम है महाराज जी आपका? रामचरण यादव। रामचरण यादव क्षत्रिय परिवार से हैं? जी हाँ। तो महाराज जी ये बताइए, इसमें पैडल वगैरह कुछ नहीं है क्या साइकिल में? नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ट्यूब भी नहीं होगा। ट्यूब भी नहीं है? तो अच्छा, तो महाराज जी जब इसमें ट्यूब भी नहीं है और पैडल भी नहीं है तो इस साइकिल का लाने का मतलब क्या है? ये हमारा सामान सब रखा है। अच्छा, सामान व्यवस्था का सामान, गैस टंकी तक 2 लीटर की। और अच्छा महाराज जी, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आप नंगे पाँव हैं? नंगे पैर हैं। सब ऊपर वाले की माया से चल रहा है, हमारा बाप नहीं चल पाते। अच्छा जी हाँ। तो महाराज जी आप रो क्यों रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं कि आज जो हमारे का दिन मिलो देखबे को जी, एक बार और पहले पैदल यात्रा करके जो दिन नहीं मिलो तो देखबे को। अच्छा महाराज जी। जी हाँ। अरे महाराज जी, जब हमारे शुरू में ही मोदी जी की सरकार बनवा के आओ तो 64 दिन आके भोजन करके 64 दिन भोजन करे थे। अच्छा महाराज जी। जी हाँ, 64 दिन भोजन करे थे। अच्छा हाँ। तो आपने वरदान मांगा था राम जी से? बिल्कुल। आपकी इच्छा पूरी हो गई? भगवान राम रक्षा करे हमारे गौ माता की और रक्षा कर दे या रोड पे ना कुछ आओ। अरे वाह। तो महाराज जी ये बताइए, अब आप कितने खुश हैं? इतने खुश है कि देव को की मान लो कि आप भोजन भी नहीं करे तो तुम्हारा चेहरा देख रहे होगी। अच्छा, भोजन नहीं किया? हाँ देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं। कितनी खुशी है और ऐसा लग नहीं रहा बिल्कुल भोजन नहीं किया। 15 तारीख से पैदल चल रहा है कैंटीनेट। कितनी तारीख से? 17 तारीख, अगली 17, अगली 17, एक महीना हो गया। एक महीना। अरे वाह, धन्य। उम्र क्या है आपकी? भोपाल। भोपाल से आए? भोपाल बैरसिया। बैरसिया से आए? महाराज जी उम्र क्या है आपकी? 60 के आसपास होगी, मेरे का जन्म पत्री तो है। दोस्तों जरा सोचिए, 60 साल की उम्र है और एक महीने से जो लगातार ये पैदल चल रहे हैं, नंगे पांव हो रहे हैं, इतनी ठंड पड़ रही है कड़ाके की, लेकिन राम नाम की शक्ति और भक्ति आप देखिए कि ये अयोध्या जो है भोपाल से सीधे आ रहे हैं और भैया भी एक साथ में जो कि महाराष्ट्र से जो है पैदल चल करके आ रहे हैं। महाराष्ट्र? नंगे पैर नहीं, मतलब पैदल ही चल के आए? पैदल चल के आए इतनी दूर से? अरे वाह, धन्य है धन्य। हजारों की तादाद में ऐसे लोग आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आपसे निवेदन करूंगा सत्य सनातन धर्म के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दुनिया ताकत देख सके नंगे पैर है। महाराज जी यह बताइए, पहली बार जब आए थे कब आए थे? 15 में मोदी जी की सरकार बनवा के 64 दिन भोजन करे थे। अच्छा महाराज जी, 64 दिन तक आप भूखे ही रहे थे? अरे तुम तो अभी विधानसभा कह देगी, रथ पे बैठो मेरे फोटो हैंगे। अच्छा अच्छा, रथ में प्रचार करूँ है। अरे तो ये बताइए महाराज जी, कई भगवान के दर्शन हुए राम जी के? अरे दर्शन नहीं होते, जी क्यों उठाले होते। सही बात है, क्या उठाले होते। सही बात है, सपने में बुलायो जब आयो जैसे उमा भारती की सरकार बनवा के। अच्छा अच्छा। अरे देखिए दोस्तों, महाराज जी की आंखों में आप देख सकते हैं साफ साफ आंसू हैं और एक खुशी के आंसू। महाराज जी आप दुख के तो नहीं है? अरे राधा रानी तुमको दौड़ा लो। अच्छा इस वक्त क्या बात है महाराज जी। तो ये साइकिल ऐसे साथ में लेकर के चल रहे, देखिए, और ये ध्वजा है साथ में महाराज। मैं आपको बता दूं, लगभग इसमें कई किलो वजन भी होगा, जो इसने पीछे देखिए सामान भी रखा हुआ है महाराज जी ने अपना। ये साइकिल है और टूटी फूटी साइकिल है, जिसमें पिंचर भी, ट्यूब है ही नहीं, ट्यूब है ही नहीं, ट्यूब नहीं है, पैडल भी नहीं है, लेकिन इस साइकिल को बस एक सामान की वजह से जो है लेकर के चल रहे हैं और नंगे पांव ये जो है यात्रा कर रहे हैं। आपसे निवेदन करूंगा इस वीडियो को भर भर के शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि सनातन की शक्ति कितनी है। राम नाम में कितनी शक्ति है, देख सकते राम नाम में कितनी शक्ति। महाराज जी ये बताइए, राम नाम में कितनी शक्ति, आपको कितनी ऊर्जा मिलती है? मेरे लिए इतनी ऊर्जा मिलती है कि 3 बार गाली वारन ने फेंक दो गोली नहीं खाई। अच्छा जी हाँ। अरे वाह, 3 बार गाली वारन ने फेंक दो 2 बार जीप वारन ने, 1 बार मोटरसाइकिल वारे ने। पर आपने हार नहीं मानी महाराज जी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तिरछी पे फेंको तो मोटरसाइकिल से शेजवान रामेश्वर जी आवे में जीप से। अच्छा शेजवान रामेश्वर भी गाँव से पैदल है सोई। अच्छा महाराज जी हाँ, क्या बात है। ये देखिए दोस्तों, बड़े ही अद्भुत संत के दिखाए दर्शन हुए हमको। आपसे निवेदन है, आपसे इस वीडियो को भर भर के शेयर कराएं ताकि सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। महाराज जी आइए थोड़ा, ये देखिए दोस्तों, इसी तरीके से 1000 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं महाराज जी, साइकिल पंचर है। महाराज जी कोई सेवा बताइए जो आप खुशी से करोगे? सेवा करो महाराज जी, महाराज जी की सेवा जरूर करो। जो तुम करोगे वहाँ में हम मस्त रहेंगे। अमरनाथ अरे भोजन को पानी। दोस्तों ऐसे लोग कहीं भी दिखे तो ऐसे लोगों को जो दान पुण्य करें, मैं भी महाराज जी के लिए कुछ जो है दान पुण्य कर देता हूँ। पकड़ो, क्या बात है, जिसका भला ना दे उसका भला। दोस्तों आपको कहीं भी राम भक्त दिखाई दे इनको दान दक्षिणा जरूर दें, क्योंकि इनका भोजन वगैरह हम लोगों से होता है। आपको बता दूं, वैसे तो राम जी करने वाले हैं, और ये देखिए चरण सुने से मना कर रहे थे, और ये पुण्य का काम है, ये मैं नहीं छोड़ सकता। ये देखिए दोस्तों कितने खुश हैं महाराज जी, कितने खुश हैं नहीं बता सकते, अद्भुत है। महाराज जी एक बार हंस के दिखा दीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल फूल हंस के देखोगे तुम तो संसार में जाकर, तुम तो आलोक सांसद विष्णु खत्री से।
भक्तपाल विधायक भूतपूर्व से है, पूछ लिए जाए कि कौन की सेवा करें। मतलब महाराज जी बहुत ऊंची चीज है, तो महाराज जी संत रूप में है या ग्रस्त में है? गाय आधी दर्जन बाल बच्चे हैं, जात का आहिर हूँ। क्या बात है, क्या बात है कृष्ण यादव की सरकार है, उस टाइम पे आओ तो पैदल, यानी कि आनंद नहीं आओ तो आनंद नहीं आता, अब आनंद है। योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, यानी क्यों नहीं? देखिए कृष्ण के वंशज जो है, कृष्ण के वंशज जो है राम जो है उसमें आ गए अयोध्या में। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों शेयर करते रहिएगा इस वीडियो को ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे कैसे लोग जो है, देखिए कैसे कैसे भक्त जो है अयोध्या आ रहे हैं। दो ही बनेंगे, चारों जगह पे सरकार बनवाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो महाराज जी एक बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करें और भर भर के कमेंट करिएगा अगर बाबा की श्रद्धा आपको अच्छी लगी। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए दोस्तों 60 साल की उम्र है और इतनी उम्र में भी इनका जज्बा देख सकते हैं, राम के लिए भक्ति देख सकते हैं, इनकी शक्ति देख सकते हैं। तो यही मैं अपने लाइव सेशन को अब जो समाप्त करना चाहता हूँ। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय सीता मैया की।